हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, आई एम श्रीकांत। और आज जो हम हिंदू एडिटोरियल लेके आए हैं उसका शीर्षक है दिल्ली डिलेमा, दिल्ली से संबंधित असमंजस की स्थिति, डिलेमा की स्थिति। ये लिखा हुआ है सेंटर वर्सेस स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बनाम केंद्र बनाम राज्य के बीच जो बातें चल रही हैं उस पर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का जो स्प्लिट डिसीजन है मतलब एकमत निर्णय नहीं बल्कि बटा हुआ निर्णय, स्प्लिट मतलब बटा हुआ डिसीजन। फ्लैग्स, ये उठाता है द नीड टू एड्रेस, ये उठाता है जरूरत टू एड्रेस, ये रेखांकित करता है कि नीड है, जरूरत है टू एड्रेस समाधान करने की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताओं को इन सेंटर यूनियन टेरिटरी टाइज, जो केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का संबंध है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जटिलताएं हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये स्प्लिट डिसीजन फ्लैग करता है, ये बात रेखांकित करता है द सुप्रीम कोर्ट्स स्प्लिट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का जो ये बटा हुआ निर्णय है, एक मत निर्णय नहीं है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ, इस बात पर, इस प्रश्न पर कि वेदर कि क्या द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो सरकार है NCTD की, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो सरकार है, हैज़, इस प्रश्न पर कि क्या ये जो सरकार है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, हैज़ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, क्या इसका कार्यपालिका संबंधी नियंत्रण है, सरकारी नियंत्रण है ओवर दोज, उनके ऊपर, इन इट्स सर्विस, जो इसकी सेवा में है। तो इस पर जो स्प्लिट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, पॉइंट्स टू, ये बात इंगित करता है, ये द सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का ये स्प्लिट डिसीजन पॉइंट्स टू, ये इंगित करता है, संकेत करता है टू द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी, जो अंतर्निहित जटिलता है उसका संकेत करता है, जटिलता ऑफ द रिलेशंस, जो रिश्तों की जटिलता है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार एंड द सेंटर, केंद्र के बीच, उसकी इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी को ये पॉइंट करता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्प्लिट डिसीजन है। और उसका स्प्लिट डिसीजन किस बात पर, तो उसका डिसीजन बटा हुआ निर्णय ऑन द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर ऑफ वेदर की क्या द गवर्नमेंट ऑफ NCTD हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर, क्या उसके पास एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, सरकारी नियंत्रण है ओवर दोज, उनके ऊपर, इन इट्स सर्विस, जो उसकी सेवा में है। तो इस प्रश्न पर जो स्प्लिट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट्स टू, वो संकेत करता है द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी, जो अंतर्निहित जटिलता है ऑफ द रिलेशंस, रिश्तों का बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंटर, दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच, उसके ऊपर इंगित करता है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग फुल स्टेटहुड स्टेटस, जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस का मतलब जो हानि है, है ना, लॉस है, ऑफ नॉट हैविंग, ना होने का फुल स्टेटहुड स्टेटस, पूर्ण राज्य का दर्जा, हैज़ बिन फेल्ट, ये महसूस किया गया ये डिसएडवांटेजेस बाय मेनी इलेक्टेड रिजिम्स, कई चुनी हुई सरकारों द्वारा इन दिल्ली, दिल्ली में, बट अंडर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के तहत, एंड विद द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर, और नरेंद्र मोदी सरकार एट द सेंटर, केंद्र में, द एक्सटेंट ऑफ एक्रीमनी, ये जो हद है, सीमा है एक्रीमनी का, टकराव का, इट हैज़ बिन सीवियर, बहुत ही गंभीर रहा है टकराव इन दोनों की सरकार, एक का दिल्ली में और एक का सेंटर में। बैटल्स हैव बिन फॉट, लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इन द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल स्फेयर्स, राजनीतिक तथा न्यायिक दोनों क्षेत्रों में, कोर्ट में भी लड़ा गया है, ओवर वेदर, इस बात पर कि वेदर सम सब्जेक्ट और दी अदर, कि क्या कोई सब्जेक्ट, एक इशू या दूसरा विषय, फॉल्स, वो आता है अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के अंदर, और या फिर इज द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व, या फिर पूर्ण रूप से ये मुद्दा है ऑफ द सेंटर, सेंटर का यह विशेषाधिकार है, प्रिजर्व है। इस बार बैटल्स लड़े गए हैं पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से भी, और जुडिशियल स्फेयर में भी, और न्यायिक क्षेत्र यानी कोर्ट में भी, किस बात पर, ओवर, इस बात पर कि क्या वेदर सम सब्जेक्ट और दी अदर, कोई विषय फॉल्स अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के अंदर आता है, और या फिर इज़ द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व, या ये फिर पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली प्रिजर्व है, ये विशेषाधिकार है ऑफ द सेंटर केंद्र का। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ क्या होती है, जब संविधान के किसी महत्वपूर्ण प्रावधान का व्याख्या करना होता है तो सात जजों की एक कमेटी बैठती है, उससे ज़्यादा जज, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं, संवैधानिक पीठ बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग, ये आदेश देते हुए, रूल मतलब आदेश देना, लास्ट ईयर, पिछले साल, प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क, उसने एक ढांचा प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, टू रिजॉल्व, समाधान करने के लिए ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे मसलों को जो दिल्ली और केंद्र के बीच चल रहा है। इट हेल्ड, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने ये आदेश दिया, हेल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ टू एक्ट, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ पे, जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे प्रेसिडेंट का एक प्रतिनिधि, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, वो वहाँ पे रहता है, और वो प्रेसिडेंट के तरफ से वहाँ पे देख रेख करता है, यूनियन टेरिटरी का हेड होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेल्ड ये आदेश दिया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ टू एक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर को काम करना होगा, इधर या तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सहायता पर, सहायता और सलाह पर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की,
वहाँ पे जो मंत्रिपरिषद, जैसे दिल्ली है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद की एड और एडवाइस पे या तो काम करना है और अबाइड बाई, या फिर उसे अबाइड बाई, उसे अनुपालन करना होगा द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्णय का, ऑन अ रेफरेंस, किसी ऐसे रेफरेंस पे मेड बाई हिम, जो उसके द्वारा किया जाता है। यानी कोई ऐसा मुद्दा है जिसको गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जैसा रेफरेंस देगा, जैसा सलाह देगा, एक्चुअली जब ये भेजता है लेफ्टिनेंट गवर्नर तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के पास जाता है, और जैसा केंद्र सरकार या प्रेसिडेंट का रेफरेंस होगा उसी के हिसाब से अबाइड बाई करना पड़ेगा। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा, क्या कहा कि इट हेल्ड, इसने आदेश दिया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ टू एक्ट, उसको एक्ट करना पड़ेगा, काम करना होगा, इधर या तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद के एड एंड एडवाइस पे, सहायता और सलाह पे, और या फिर अबाइड बाई, या उसको अनुपालन करना होगा द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्णय का, ऑन रेफरेंस, किसी रेफरेंस पे मेड बाई हिम, जो रेफरेंस यानी हवाला देता है, मतलब वो भेजता है, किसी रेफर करता है, भेजता है प्रेसिडेंट को रेफरेंस देता है, उस पर जैसा प्रेसिडेंट का होगा डिसीजन उसको अबाइड बाई करने होगा। दो तरीका है उसको काम करने का लेफ्टिनेंट गवर्नर को, द पावर टू रेफर एनी मैटर, शक्ति रेफर करने का, भेजने का कोई भी मैटर को, कोई भी विषय को टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है एवरी मैटर शुड गो, कि हर मैटर जाना चाहिए टू दैट वे, उस तरीके से कि सबको प्रेसिडेंट के पास ही भेज दिया जाए। स्पेसिफिक इशूज़, जो विशिष्ट मुद्दे हैं, वर लेफ्ट, उन्हें छोड़ दिया गया टू अ बेंच ऑफ जस्टिसेस। तो जो सारी बातें तो नहीं कहा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ ने, मोटे मोटे तौर पे कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे काम करना होगा, या फिर जो रेफर करेगा प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट का जैसा निर्णय होगा उसके हिसाब से काम करना होगा। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक इशूज, जैसे एक एक करके कुछ एक जो मुद्दे थे, स्पेसिफिक इशूज थे, विशिष्ट मुद्दे, उनको संवैधानिक पीठ ने छोड़ दिया, किसके हवाले कर दिया, तो स्पेसिफिक इशूज जो विशिष्ट मुद्दे थे दे वर लेफ्ट टू, उनको छोड़ दिया गया टू ए बेंच ऑफ जस्टिसेस ए के सिकरी एंड अशोक भूषण। इनको दो जजों की पीठ, ए के सिकरी और अशोक भूषण जो न्यायाधीश हैं, इनके पीठ को छोड़ दिया गया, विच हैज़ रिजॉल्व, और इस बेंच ने जिसने हैज़ रिजॉल्व समाधान कर दिया मोस्ट इशूज, अधिकांश इशूज को, मुद्दों को सुलझा लिया है। इट हैज़ अपहेल्ड, ये जो दो जजों की पीठ है, इट हैज़ अपहेल्ड, इसने समर्थन किया है, बैक किया है द दिल्ली गवर्नमेंट्स पावर, दिल्ली सरकार की ये पावर की शक्ति को, टू अपॉइंट प्रोसिक्यूटर्स, की वो प्रोसिक्यूटर्स को, वकीलों को अपॉइंट करेगा, लेवी एंड रिवाइज, वो वसूलेगा और चेंज करेगा स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, संपत्ति की खरीद बिक्री पे, एंड इशू नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन जारी करेगा अंडर द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, दिल्ली बिजली सुधार एक्ट अधिनियम के तहत। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो दो, ए के सीकरी और अशोक भूषण जो दो न्यायाधीश हैं, उनकी पीठ, विच हैज़ रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द इशूज, अधिकांश इशू को इसने रिजॉल्व कर दिया, समाधान कर दिया। इट हैज़ अफिल्ड द दिल्ली गवर्नमेंट्स पावर, इसने समर्थन किया दिल्ली सरकार की शक्ति को, टू अपॉइंट प्रोसिक्यूटर्स, प्रोसिक्यूटर्स को, वकीलों को नियुक्त करने का, लेवी वसूलने का और बदलने का, स्टाम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांजेक्शन, जो संपत्ति की खरीद फरोख्त होगी उस पर स्टाम्प ड्यूटी को रिवाइज करने, लेने का अधिकार, उसको भी इसने माना है, एंड इशू नोटिफिकेशन, और उसका जो पावर है, शक्ति है टू इशू नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति जारी करने का अंडर द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, उसको भी अपहेल्ड किया है, उसका भी समर्थन किया है। बोथ जजेज अग्री, दोनों जजेज हैं अग्री, वो सहमत हैं दैट देर इज़ नो सर्विस, कि कोई सर्विस नहीं है, सेवा नहीं है इन द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार में, एज क्योंकि ऑल इट्स एम्प्लॉयज, इसके सारे कर्मचारी कम आते हैं अंडर द सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाओं के तहत। इट्स सिविल सर्वेंट्स आर ड्रॉन, जो दिल्ली सरकार के सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS अधिकारी हैं, दे आर ड्रॉन, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विस जो भी हैं, दे आर ड्रॉन, वो निकाले जाते हैं, लिए जाते हैं फ्रॉम द डैनिक्स कैडर, डैनिक्स कैडर से, एक कैडर का नाम है जिसका नाम है दमन, अंडमान निकोबार एंड कुछ इस तरह से है, मतलब दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, एक कैडर का नाम है जिसमें दिल्ली, अंडमान, निकोबार को मिला के कैडर, जैसे बिहार IAS कैडर, IPS कैडर होता है, उसी तैडर से UP IAS, IDS कैडर, IPS कैडर होता है, वैसे हरियाणा IAS, IPS कैडर होता है, वैसे ही बंगाल IAS, IPS कैडर होता है, उसी तरह से ये भी है, डैनिक्स एक कैडर का नाम है। तो इट्स सिविल सर्विसेज, जो दिल्ली सरकार के सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर ड्रॉन, उन्हें लिए जाते हैं फ्रॉम द डैनिक्स कैडर, डैनिक्स कैडर से, ए सर्विस जो सेवा है कॉमन, साझा है टू वेरियस यूनियन टेरिटरीज, अनेकों जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर शासित प्रदेश हैं, सबका साझा कैडर है ये। जस्टिस सिकरी बिलीव्स, उनमें से दो जजों में से एक जो जस्टिस सिकरी हैं, वो मानते हैं दैट गोइंग बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संवैधानिक पीठ की इस निर्णय को लास्ट ईयर, पिछले साल, द NCTD जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो सरकार है,
would indeed have the power, वास्तव में उसके पास शक्ति होगी, to deploy officials को तैनात करने की, deploy करने की within its own departments, अपने departments या विभागों के भीतर, उसको इसका हक होगा अगर उसके निर्णय से जाएं तो, क्योंकि उसमें कहा था संवैधानिक पीठ के का जो निर्णय था लास्ट ईयर, उसमें वो कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काम करना है एड और एडवाइस पर, किसके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, मंत्रिपरिषद की। तो अगर वहाँ की सरकार, जो अधिकारी वहाँ से भेजे गए डायनेक्स कैडर से, तो अपने विभाग में किसकी कहाँ पोस्टिंग की जाएगी, इसका अधिकार उनको होना चाहिए दिल्ली सरकार को, जैसा कि संवैधानिक पीठ ने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काम अपने मन से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पर करना है। तो इस हिसाब से जस्टिस सिकरी का मानना है, जस्टिस सिकरी बिलीव्स मानते हैं दैट द गोइंग बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन, अगर संवैधानिक पीठ के निर्णय को देखें उसके हिसाब से, गोइंग बाय दैट लास्ट ईयर पिछले साल जो डिसीजन आया था, द NCTD जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, वुड इंडीड हैव, उसको वास्तव में इंडीड हैव द पावर, उसको पावर होगा, शक्ति होगी टू डिप्लॉय, तैनात करने की ऑफिशियल्स, अधिकारियों को विद इन इट्स ओन डिपार्टमेंट्स, अपने डिपार्टमेंट से विभाग के भीतर। हालांकि एब्सेंस जो अभाव है, नहीं है पब्लिक सर्विस इन दिल्ली में, जैसे हर स्टेट में जैसे MP है, तो MP पब्लिक सर्विस कमीशन, MPSC होता है, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हर जगह होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस का RPSC होता है, तो हर जगह पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हालांकि द एब्सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस का अभाव इन दिल्ली में, मीन्स इसका मतलब है कि एंट्री 41 इन द स्टेट लिस्ट, जो राज्य सूची में आइटम नंबर 41 है, जिसका संबंध है सर्विसेज सेवाओं से या सर्विस कमीशन से। देखिए, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में 3 लिस्ट बनाया गया है, किस विषय पर किस सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, तो इसमें बताया एक यूनियन लिस्ट बनाई गई, जैसे केंद्र सरकार के क्या क्या विषय हैं जिस पर वो कानून बनाएगा, वो यूनियन लिस्ट या संघ सूची में है। एक स्टेट लिस्ट बनाया गया राज्य सूची, जिसमें राज्य को कौन कौन से विषयों पर अधिकार हैं वो बनाई गई। एक कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची बनाई गई, जिसमें वो विषय हैं जिस पर दोनों को अधिकार है बनाने का, केंद्र को भी और राज्य को भी, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा होता है तो उसमें केंद्र वाली बात मानी जाएगी। तो स्टेट लिस्ट में ये एंट्री नंबर 41 जो है, उसका संबंध है सर्विसेज से, सेवाओं से या सर्विस कमीशन से। तो ये क्या कह रहा है कि हालांकि दी एब्सेंस ऑफ अ पब्लिक सर्विस का अभाव दिल्ली में, मीन्स इसका मतलब है कि एंट्री 41 है आइटम नंबर 41 इन द स्टेट लिस्ट राज्य सूची में, जिसका संबंध सर्विसेज और सर्विस कमीशन से है, वुड इम्प्लाई, उसका एब्सेंस का इम्प्लाई होगा, इसका अर्थ होगा दैट कि इट इज़ अ मैटर, ये एक ऐसा मैटर है इन एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं लागू होता है टू यूनियन टेरीटरीज पे, ये एंट्री 41, एंड देयरफॉर अतः द LG नीड नॉट एक्ट, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को निर्णय जरूरी नहीं है टू एक्ट की काम करे ऑन दी डेली गवर्नमेंट्स एड एंड एडवाइस, दिल्ली सरकार के एड और एडवाइस पे, उसके सलाह और मशवरे पे, खास किस मामले में, इस मामले में पर्टिकुलर एंट्री 41 स्टेट सर्विस, मतलब सर्विस ऑफिसर्स के, बाकी मामलों में नहीं, लेकिन सर्विस में जो अधिकारी हैं तो उनकी क्या ट्रांसफ़र होगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, उससे संबंधित अधिकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और निड नॉट एक्ट, उसको जरूरत नहीं है काम करने की ऑन द डेली गवर्नमेंट्स एड एंड एडवाइस, डेली सरकार के एड और एडवाइस पर, क्योंकि एंट्री 41 जिसका जुड़ाव सर्विसेज और सर्विस कमीशन से है, वो दिल्ली में नहीं है पब्लिक सर्विस, इसका मतलब एंट्री 41 लागू नहीं होता वहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर केस में, बाकी सब केसेस में तो मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने से काम नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पर काम करेगा, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में, सर्विस के केस में, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र आदि के केस में, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट निड नॉट एक्ट, उसको जरूरी नहीं है कि दिल्ली सरकार के एड और एडवाइस पे काम करे। देयरफॉर अतः ही फेवर्स अ सॉल्यूशन, उन्होंने फेवर मतलब देना, उन्होंने एक सॉल्यूशन हल दिया अंडर विच, जिसके तहत ट्रांसफर करना और पोस्टिंग करना ऑफ ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव के रैंक में एंड अब और उसके ऊपर कुड बी डायरेक्टली सबमिटेड, उसको सीधे दिया जा सकता था टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एंड दोज ऑफ अदर्स, और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऑफ अदर्स दूसरों का बी प्रोसेस्ड, उसको प्रोसेस किया जा सकता था बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद द्वारा एंड सेंट, और फिर भेजा जा सकता था टू द LG लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो बड़े अधिकारी जो भी जॉइंट सेक्रेटरी और अबव के हैं, उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को डायरेक्टली LG को सबमिट किया जा सकता था, लेकिन जो वे लोग हैं अदर्स हैं, उनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कुड बी प्रोसेस किया जा सकता था बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद द्वारा एंड सेंट टू द LG, और LG को फिर भेजा जाता। तो बड़े अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उन्होंने कहा, सिकरी साहब ने फॉर्मूला बनाया कि
बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर फॉर्मूले का ट्रांसफर और पोस्टिंग का सीधा अधिकार एलजी के पास हो और छोटों के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मार्फत प्रोसेस हो फाइल। तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट या झगड़े के मामले में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एलजीज व्यू विल प्रिवेल, ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो विचार होगा वही चलेगा, उसी के बात मानी जाएगी। जबकि अब दूसरे जो जज साहब हैं जस्टिस भूषण, ये तो सीकरी की ये बात हो गई, अब जस्टिस भूषण ऑन दी अदर एंड दूसरी तरफ हैज़ रूल्ड, उन्होंने ये आदेश दिया है दैट वंस इट इज़ एक्सेप्टेड, कि एक बार जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार लिया गया, दैट देर इज़ नो सर्विस, कि कोई सेवा नहीं अंडर दी NCTD नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर, देर इज़ नो स्कोप, फिर कोई ऐसी संभावना या कोई दायरा नहीं है फॉर इट्स गवर्नमेंट, इसके सरकार के लिए, NCTD सरकार के लिए, टू एक्सरसाइज एनी एग्जीक्यूटिव पावर, की प्रयोग करे कोई भी सरकारी शक्ति का इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। उनका क्या मानना है, अ लार्जर बेंच विल नाउ डिसाइड। अब देखिए दो जज हैं इसमें, दोनों का अलग अलग राय है इस पर, तो अब इस कैसे निपटे इस बात को, तो अ लार्जर बेंच, एक बड़ा बेंच बनाया जाएगा, एक बड़ी पीठ, विल नाउ डिसाइड, वो डिसाइड करेगी ऑन द क्वेश्चन, इस प्रश्न पे रिलेटिंग टू, जो संबंधित है टू कंट्रोल, नियंत्रण से ओवर दी सर्विसेज, सेवाओं पे ओवर किसका कंट्रोल है, इससे संबंधित, रिलेटिंग टू कंट्रोल ओवर द सर्विसेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिसाइड करेगा एक लार्जर बेंच, एक बड़ी पीठ बनाई जाएगी। द मोर सिग्निफिकेंट चैलेंज, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ा चैलेंज चुनौती इज है टू फाइंड अ वे, कि एक ढूंढा जाए, एक तरीका ढूंढा जाए, मोर सिग्निफिकेंट चैलेंज है, ज़्यादा बड़ा चुनौती है टू फाइंड, ढूंढना अ वे आउट, एक रास्ता ढूंढना, आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, इन जटिलताओं से बाहर, एंड प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से बाहर एक समझ, एक रास्ता ढूंढा जाए, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रॉब्लम्स थ्रोन अप बाय द मल्टीपल फॉर्म्स, ये जो जटिलताएं और समस्याएं थ्रोन अप जो उभर आई हैं बाय द मल्टीपल फॉर्म्स, जो अनेकों रूप, अनेकों तरह के जो फेडरलिज्म है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, जो केंद्र और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और दूसरों के बीच जो संबंध है, तो ये जो फेडरलिज्म का मल्टीपल फॉर्म्स है, उससे उत्पन्न होने वाले थ्रोन अप कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूंढा जाए, एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, और जो मल्टीपल फॉर्म्स हैं फेडरलिज्म के और संघवाद के और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, शक्ति को साझा करने के जो व्यवस्थाएं हैं, उससे उत्पन्न होने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज प्रॉब्लम से रास्ता निकाला जाए, थ्रू विच, जिससे होके रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर रेगुलेटेड। नहीं तो फिर से इसको पढ़ने की जरूरत है, इस लाइन को, मोर सिग्निफिकेंट चैलेंज, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती है, टू फाइंड, ढूंढना रास्ता, वे आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रॉब्लम्स, इन जटिलताओं और समस्याओं से रास्ता बाहर ढूंढना, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम्स थ्रोन अप जो उत्पन्न हुई हैं बाय द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, जो कई रूप हैं हम फेडरलिज्म के, संघवाद के, और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं, शक्ति के बंटवारे का जो हमारे यहाँ सिस्टम है, उससे उत्पन्न कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम से रास्ता ढूंढना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती है, कि हम रास्ता ढूंढें कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रॉब्लम से बाहर का, और ये जो उभरती हैं थ्रोन अप बाई मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म के कई रूपों और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के रूपों से पैदा होती हैं, थ्रू विच रिलेशंस, जिसके मार्फत फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, जिससे, जिसके मार्फत, थ्रू विच रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, रिश्ता बिटवीन द सेंटर, केंद्र और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसके जो बनाने वाली इकाइयाँ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर रेगुलेटेड, उनको नियमित किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं इसको देख लिया जाए, डिलेमा का मतलब होता है असमंजस, निर्णय न लेने, स्प्लिट, बटा हुआ डिसीजन, निर्णय, फ्लैग मतलब रेखांकित करना, उठाना, नीड, आवश्यकता, टू एड्रेस, समाधान करना, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताएँ, टाइज मतलब संबंध, सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ डिसीजन, एकमत निर्णय नहीं, वेदर की क्या, गवर्नमेंट ऑफ NCTD नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की सरकार, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण, दोज वे लोग इन इट्स सर्विस, जो इसकी सेवा में है, पॉइंट्स टू, संकेत करता है, इनहेरेंट अंतर्निहित कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, डिसएडवांटेजेस मतलब हानि है ना, घाटा, नॉट हैविंग फुल स्टेटहुड स्टेटस, ना होना पूरा पूर्ण स्टेटहुड, राज्य का स्टेटस, दर्जा, मेनी इलेक्टेड रिजिम्स, कई चुनी हुई सरकारें, एक्सटेंट ऑफ एक्रीमनी, एक्रीमनी का, झगड़े का हद, सीवियर बहुत गंभीर, बैटल्स लड़ाइयाँ, फॉट फाइट मतलब लड़ना, स्फेयर क्षेत्र, जुडिशियल स्फेयर न्यायिक क्षेत्र, कोर्ट में, सम सब्जेक्ट और दी अदर, एक विषय या दूसरा, एक नहीं तो दूसरा विषय, एक्सक्लूसिव प्रिजर्व, पूर्ण रूप से विशिष्ट प्रिजर्व मतलब हक अधिकार, अपने क्षेत्र की बात, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग, संवैधानिक पीठ का रूलिंग, रूल मतलब होता है आदेश देना, प्रोवाइड मतलब मुहैया कराना, उपलब्ध कराना, फ्रेमवर्क ढांचा, टू रिजॉल्व निपटाने का, समाधान करने का, होल्ड मतलब आदेश देना, एक्ट मतलब कार्य करना, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, के सहयोग और सलाह पर, एबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, रेफरेंस कोई बात किसी को भेजना ताकि उस पर अपना
उसका रेफरेंस हो, उसका सलाह मशविरा लिया जाए, तो रेफर करना, भेजना रेफरेंस। पावर, शक्ति टू रेफर एनी मैटर, किसी भी मैटर को रेफर करने का, भेजने की शक्ति। मीन मतलब होना, अर्थ रखना। दैट वे इस तरीके से, दैट वे मतलब उस तरीके से। स्पेसिफिक इशूज़, जो विशिष्ट मुद्दे हैं, स्पेसिफिक इशूज़। लीव मतलब छोड़ देना, रिजॉल्व मतलब समाधान करना, अपहोल्ड मतलब समर्थन करना। पावर टू अपॉइंट प्रोसिक्यूटर, शक्ति नियुक्त करने की प्रोसिक्यूटर्स वकीलों को। लेवी वसूलना, टैक्स रिवाइज चेंज करना, स्टैम्प ड्यूटी एक तरह का टैक्स है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन संपत्ति का खरीद बिक्रय। नोटिफिकेशन मतलब विज्ञप्ति, इशू मतलब जारी करना। बोथ जजेज अग्री, दोनों जज अग्री करते हैं। ड्रॉ मतलब होता है निकालना, लेना, फ्रॉम डैनिक्स कैडर, कैडर मतलब सेवा का नाम। कॉमन, कॉमन मतलब साझा है ना। गोइंग बाई को देखते हुए, उसके मुताबिक। इंडीड वास्तव में। डिप्लॉय तैनात करना। ओन मतलब अपना, डिपार्टमेंट्स मतलब विभाग। हाउएवर हालांकि, एब्सेंस अनुपस्थिति अभाव ना होना उसका। इम्प्लाइज का अर्थ रखना। इन एप्लीकेबल जो लागू ना हो, लागू ना होने वाला। फेवर मतलब देना, फेवर मतलब यहाँ देना है। प्रोसेस मतलब के मार्फत किया जाना, प्रोसेस मतलब करना। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। व्यू मतलब विचार। प्रिवेल मतलब हावी होना, प्रचलित होना, चलना। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ। स्कोप मतलब दायरा, संभावना। एक्सरसाइज प्रयोग करना, एनी एग्जीक्यूटिव पावर, कोई भी सरकारी शक्ति। इन दिस रिगार्ड इस संबंध में। डिसाइड ऑन इस बात पर निर्णय करना, रिलेटिंग टू से संबंधित। मोर सिग्निफिकेंट चैलेंज और ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती। फाइंड ढूंढना, अ वे आउट रास्ता, हल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी जटिलताओं से। थ्रो अप उभारना, मल्टीपल फॉर्म्स अनेकों रूप। फेडरलिज्म संघवाद, इसमें कई छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के एक देश बनता है, संघ बनता है, फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, पावर शक्तियों के बंटवारे का अरेंजमेंट सिस्टम, तरीका, नियम है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब बनाने वाली इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ। रेगुलेट मतलब नियमित करना। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है। व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन डेली सेंटर टसल रूल लास्ट ईयर, क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो डेली सेंटर टसल पर, दिल्ली और केंद्र के बीच जो झगड़ा था, टसल था, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने व्हाट डिड इट रूल लास्ट ईयर, पिछले साल क्या आदेश दिया था। क्या ये आदेश दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एल जी हैज़ एब्सोल्यूट पावर, पूरा शक्ति है टू एक्ट, काम करे ऑन इज ओन डिस्क्रिप्शन, अपने खुद के विवेक पर। ये है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शनरी पावर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का संपूर्ण डिस्क्रिप्शनरी पावर नहीं है, अपने मन माफिक शक्ति नहीं है, एज क्योंकि ही हैज़ टू सीक रेफरेंस, उसको रेफरेंस लेना होता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से ऑन ईच इशू, हर मुद्दे पर। यह है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शनरी पावर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को एब्सोल्यूट संपूर्ण डिस्क्रिप्शनरी पावर, मन माफिक शक्ति नहीं है, एज क्योंकि ही हैज़ टू एक्ट, उसको काम करना होता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिल्ली। दिल्ली स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करना होता है, और ही हैज़ टू एक्ट, या फिर उसे काम करना होता है एज पर द रेफरेंस, रेफरेंस के अनुसार, मेड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, टू हिम उनको, ऑन इशूज, ऐसे इशूज़ पे रेफर टू द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाए। या फिर द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, दिल्ली सरकार को कोई शक्ति नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विल इलेक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एडवाइस पे, एंड ऑन इशूज, और ऐसे इशूज़ पे रेफर टू द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा उस पे। द एल जी वुड एक्ट, एल जी काम करेगा एज द रेफरेंस मेड, जैसा कि रेफरेंस किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसमें सही आंसर क्या है, सी है, कि एल जी जो है एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शनरी पावर उसको नहीं है, वो या तो काम करेगा एड और एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दिल्ली स्टेट की, या फिर ही हैज़ टू एक्ट एज पर द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसा प्रेसिडेंट उसको रेफर करेगा, है ना। अगला है द बेंच ऑफ जस्टिसेस ए के सिकरी एंड अशोक भूषण, ये जो पीठ है न्यायाधीश ए के सिकरी और अशोक भूषण की, हैज़ डिसाइडेड, इस निर्णय किया है, डिसाइड कर दिया, मतलब निर्णित कर दिया है, डिसीजन दे दिया है, मोस्ट ऑफ द इशूज़, अनेक जो अधिकांश इशूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको डिसाइड कर दिया है, बिटवीन द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच के इशूज़ का है। इज़ यूनानिमस, वो एकमत है इन द व्यू, इस विचार में कि देर इज़ नो सर्विस इन दिल्ली, दिल्ली में कोई सेवा नहीं है, एंड ऑल इट्स एम्प्लॉयज कम अंडर जन सेंट्रल सर्विसेज, और इसके सारे एम्प्लॉय सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाओं के अंदर आते हैं। हैज़ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, ये जो दो जजों की पीठ है, इट हैज़ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग मत हैं, डाइवर्जेंस मत में भेद है, रिगार्डिंग इस संबंध में कि दिल्लीज एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो दिल्ली का एग्जीक्यूटिव पावर्स, सरकारी शक्ति, रिलेटिंग टू पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिसर्स, जो संबंधित है पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऑफिसर्स से, उससे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पावर पे डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है,
या फिर ऑल ऑफ द सभी है, सभी है, सारी बातें सही हैं इसमें उसके बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, निम्नांकित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, ट्रू नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संवैधानिक पीठ जो लास्ट ईयर थी उसका जजमेंट था ईयर अगो एक साल पहले, फेवर्ड, उसने फेवर किया था दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली पक्ष सरकार के पक्ष में बात किया था. इसमें बताना है कौन सही नहीं है, तो ये तो सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, संवैधानिक पीठ का जो निर्णय था, इज़ क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, वो कॉम्प्लेक्सिटीज या जटिलता क्रिएट कर रहा है ऑन द मैटर ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के पोस्टिंग और ट्रांसफर के मैटर पे. हाँ बिल्कुल, ये जटिलता पैदा हो रहा है क्योंकि उसमें कहा था उसने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संवैधानिक पीठ ने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे काम करने के लिए, लेकिन जहाँ तक पोस्टिंग और ट्रांसफर का सवाल है ऑफिसर्स का, इसमें एंट्री 41 स्टेट लिस्ट का नहीं है दिल्ली में, तो इस हिसाब से उसको ज़रूरत नहीं है एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे काम करे, तो कॉम्प्लेक्सिटीज उसकी वजह से पैदा तो हो रहा है, ये भी सही है. अगला है कि द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑन द मैटर ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिसर्स आर ड्यू टू द एब्सेंस, जो जटिलताएँ हैं ऑन द मैटर ऑफ पोस्टिंग और ट्रांसफर, पोस्टिंग और ट्रांसफर के मैटर पे आर ड्यू टू, इसलिए हैं कि कारण, किसके ड्यू टू मतलब के कारण, एब्सेंस ऑफ द पब्लिक कमीशन, पब्लिक कमीशन का एब्सेंस है, पब्लिक कमीशन नहीं है दिल्ली स्टेट में, इसकी वजह से हो रहा है, ये भी सही है. बताना लेकिन आपको ये है कि कौन सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाकी एक ही बचा तो यही सही नहीं होगा. और है क्या ये, द बेंच ऑफ जस्टिसेस सिकरी एंड भूषण, जो न्यायाधीश सिकरी और भूषण का जो पीठ है, आर ऑफ द ओपिनियन, उस विचार के हैं दैट द एलजी नीड नॉट एक्ट, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जरूरी नहीं है काम करना ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिल्ली, दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मंत्रिपरिषद के सलाह और मशवरे पर, एंड दस इस प्रकार टोटली अगेंस्ट द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर, और इस प्रकार से उनका जो ओपिनियन है पूरी तरह से टोटली अगेंस्ट द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर, पहले के जो संवैधानिक पीठ का ऑर्डर है उसके खिलाफ है इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, यही सही है. पूरी तरह से नहीं है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के खिलाफ है इसी ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स के मुद्दे पर ही, टोटली अगेंस्ट द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर नहीं है ना. और उनको उनका ये भी नहीं मानना है कि एलजी नीड नॉट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, की एलजी को जरूरत नहीं है काम करने की ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के सलाह पर. ये बात सिर्फ सबके बारे में नहीं, ये केवल एक क्षेत्र में है इनका मानना कि उसको एक्ट नहीं करना है एड एंड एडवाइस पर, और वो ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में ऑफिसर्स के पास, सब पर नहीं. एंट्री 41 इन द लिस्ट, जो लिस्ट में एंट्री 41 है इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में, पार्टली अप्लाइज टू दिल्ली, दिल्ली में अंशतः लागू होता है, डज नॉट अप्लाई नहीं होता टू एनी यूनियन टेरिटरी, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली को छोड़ के, डज नॉट अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं होता, अप्लाइज टू ऑल द यूनियन टेरिटरी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली छोड़ के, ये किसी पे भी लागू नहीं होता यूनियन टेरिटरी पे, डज नॉट अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ एक्रीमोनियस, निम्नांकित में कौन सा जो है उल्टा है एक्रीमोनियस का. एक्रीमोनियस मतलब होता है झगड़ा पूर्ण, जिसमें झगड़ा बहुत हो, है ना, लड़ाई झगड़ा हो, क्वारलसम, तो इसका ओपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हारमोनियस, जिसमें समरस, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द से युक्त हो, लड़ाई झगड़े से नहीं. हॉस्टाइल मतलब दुश्मनीपूर्ण, वायलेंट मतलब हिंसक, और मेली फ्लूस का मतलब सुमधुर, कोई आवाज़ वाज मेली फ्लूस होता है, सुमधुर होता है. वैसे भी आंसर्स आपके दिए हुए हैं, आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियोस. आई विश यू ग्रेट ग्रेट सक्सेस इन एग्जाम्स दैट आर कमिंग योर वे. And if you have any suggestions to improve the quality of these videos, please drop your comments in the comment box. Thank you for watching. Have a nice day.